कुलुस उस्मान देखने और चाहने वालों को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुलुस उस्मान की किस्त नंबर 78 में क्या होगा। नाजरीन, जैसा कि हमने देखा पिछली किस्त में सलजूकी अमीर आलम शाह ने शेख अदा बाली तक को अपने जुल्म का निशाना बनाया, तो नाजरीन हमारे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि सुल्तान मसूद तक वज़ीर आलम शाह की गद्दारी और मजालिम की खबर पहुंचाई जाए। तो इस सिलसिले में सबसे पहली सूरत यह हो सकती है कि शेख अदाबाली अपने किसी दरवेश के ज़रिए आलम शाह की हकीकत सुल्तान तक या सफ़ेद दाढ़ी वालों तक पहुंचा दे। नाजरीन, जबकि एक सूरत यह भी बन सकती है कि तुर्गुत और मारी को उस्मान भी खुफिया तौर पर सुल्तान मसूद के पास जाने का फरीज़ा सौंपे, जहाँ तुर्गुत बे उस्मान बे पर होने वाले जुल्म शेख अदाबाली और उनकी दरवेशों के साथ जाति और काफिरों के साथ गैर मामूली इत्तिहाद की खबरें सुल्तान तक पहुंचा दें, जबकि मारी इस बात की तस्दीक करेगी कि उस्मान बे ने उन्हें अपने कबीले में ज़बरदस्ती नहीं ठहराया बल्कि वो अपनी मर्जी से उनके कबीले में रह रही हैं। नाजरीन, जबकि दूसरी तरफ बात की जाए गवर्नरों की, तो कोशिश के उस्मान बे के साथ इत्तिहाद और एनागोल के बाज़ार में लगने वाली आग के बाद निकोला शदीद तैश में है। वो जल्द अज जल्द ये खबर शहनशाह तक पहुंचाएगा, जिससे हो सकता है कि आने वाली अकसात में कौसम हाल गवर्नर के ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए और शहनशाह तुर्कों के खिलाफ जंग के लिए एक बड़ी फौज तरतीब दे। तो इस सूरत में भी सुल्तान मसूद तुर्क कबाइल की हिफाजत के लिए अपनी फौज तश्कील देंगे। इस सारी कार्रवाई के दौरान वजीर आलम शाह की गद्दारी सुल्तान मसूद को मालूम हो जाएगी और यूं आलम शाह का किरदार अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा। नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। हम आपकी राय अपने वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।